राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उन्हें अगले महीने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि क्या पार्टी इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक मकसद के लिए कर रही है। दरअसल राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। एनसीपी सुप्रीम शरद पवार ने कहा कि पता नहीं भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक व व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। हमें खुशी है कि मंदिर बन रहा है, इसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया। पवार से जब पूछा गया कि क्या उन्हें आमंत्रित किया गया है तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। पवार ने कहा कि मैं आस्था के 2-3 स्थानों पर जाता हूं, जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं करता हूं। यह एक निजी मामला है। अधिकारियों ने कहा कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान शरद पवार ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बदलेगी और फिर हम देखेंगे कि इस दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद से निलंबित सांसद सवाल पूछ रहे थे कि जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी तो घुसपैठी अंदर कैसे आ गए। पवार ने कहा कि उनकी मांगे क्या थी, उन्हें कौन लेकर आया और अगर उनकी मांगे जायज है तो उन पर गौर किया जाना चाहिए। 22 तारखेला राम मंदिराचं उद्घाटन होत आहे। महाराष्ट्रातल्या अनेक नेत्यांना मंदिराच्या उद्घाटनाचं निमंत्रण आलेलं आहे। तुम्हाला निमंत्रण आलेलं आहे का? आले असेल तर तुम्ही जाणार नाही? मला काही निमंत्रण नाही, मी मंदिरच्या ह्याच्यात फारसं जात नाही। हे सगळे देवधर्म पूजा अशा या सगळ्यापासून मी जरा बाजूच असतो। माझी श्रद्धाची स्थानं आहेत एक दोन ठिकाणी, तिथंच असतो, पण त्याचं जाहीर ते द्यायचाच कधी करत असते। हा असं आहे की हे प्रश्न व्यक्तिगत आहेत। व्यक्तिगत कुठे श्रद्धा असते नसते त्यानुसार आम्ही करतो। त्यासाठी कुणी निमंत्रण द्यायची ते आणखी कुणाची वाज बघायची काही गरज नाही। आमची बैठक अद्याप झाली नाही। आम्ही पहिल्यांदा आम्ही एक काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे तिघे एकत्र आमचे लोक बसतील आणि त्याच्यातून प्रोसेस ठरवतो। ती प्रोसेस सुरू होईल। आता CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।